जड़ आ रही है ना। हम लोग हैं बालवन में और यहाँ पर जो पौधा लगाया गया है वो कुमारी श्रुति चौहान के नाम से, यहाँ पर उनके माता पिताजी उपस्थित हैं, तो उन्होंने बिटिया किसी कारणवश नहीं आ पाई, तो उनके माता पिता चौहान जी हमारे बीच में हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप दो शब्द इस पौधारोपण के संबंध में कहेंगे। धन्यवाद सर। ये मैंने अपनी बेटी, छोटी बेटी है श्रुति चौहान, उसकी स्मृति में यहाँ पर ये पीढ़ी स्मृति वन में मेरे द्वारा यहाँ पर पौधारोपण किया जा रहा है दाल संस्था के आयोजन से। तो मैं बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, जैसा आज के ज़माने में या पूरे पहले ज़माने में लोग बेटियों की बात करते थे, जो भेदभाव वाली बातें होती थी बेटियों के बारे में, हमारे मन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बेटे से ज़्यादा बेटी को अपनी प्यार करते हैं और समाज में भी हम जहाँ कहीं भी जाते हैं हमेशा यही एक संदेश देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों को हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाने के लिए जो भी हमसे सहयोग होता है योगदान होता है हम करते हैं। तो इसी विचारधारा के को लेकर मैंने आज उसके अपनी बेटी के नाम से भी यहाँ पर एक पौधारोपण किया है, और मैं ये कोशिश करूँगा, हमेशा मेरा ये योगदान रहेगा कि मैं इस वृक्ष को अच्छे ढंग से इसका संवर्धन करूँ, रक्षण करूँ इसका, और ये स्मृति हमेशा मेरे मन में बची रहेगी, और इसके लिए मैं धार का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपकी भावनाएं इस पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत समृद्धशाली हैं, तो हम चाहते हैं कि वृक्ष भी बहुत जल्दी इस पूरे वातावरण को सुशोभित करें। धन्यवाद।